जो भी एक मॉडर्नाइज्ड आईसीयू में होनी चाहिए वो यहाँ पे है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं। ये बेड अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बेड है, इसके अंदर तमाम सहूलत मौजूद है। अगर आप ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग हैं ना, तो यकीन माने 10 से 15,000 रुपये डेली के चार्ज करेंगे। बेड की बात तो बिल्कुल अलग ही है। खाना भी बहुत मियारी मिल रहा है, आपको अच्छा खाना मिल रहा है यहाँ पर। थोड़ा वहाँ साहब, उन्होंने दो HDUs अपने वालदा और वालिद के नाम पर बनवाए हैं, जो वो उसको जिसकी टेक केयर करते हैं। जिस 18 जदीद इस पर जो है वो आपको ऑपरेशन थिएटर्स मिलेंगे, 550 के करीब इसमें बिस्तर हैं। और वो मरीज़ आते हैं जो बेचारे किराए के पैसे नहीं होते और यहाँ से बाद उसका भीख मांग के वापस घरों में जाते हैं, हमने देखा है ये। और यहाँ पर दवाएँ भी मिल रही हैं। दीगर जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल है साउथ सिटी, ये वही सहूलत है ना, हम कह सकते हैं ना कि वही सहूलत मिली जो आगा खाने मिलती है, जो साउथ सिटी में मिलती है, जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है, जहाँ पर आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं एक रूम के हासिल करने के लिए, इलाज करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिम। अच्छा, एक अच्छी खबर है कराची वालों के लिए और खुसूसन पूरे सिंध के लिए, बल्कि कराची के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी सतह पर एक बेहतरीन किस्म का, आप ये कह रहे हैं जिला अस्पताल तो है ही, मगर उसके अंदर एक इमारत बनी है जिसके अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मिलेंगे, यानी OPD, बेहतरीन किस्म के वार्ड, इसी तरीके से महंगा तरीन इलाज ऑपरेशन थिएटर्स में जो होता है वो भी मुफ्त होगा। तो क्या क्या सहूलत है अंदर, हम इस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, ये बिल्कुल न्यूली स्ट्रक्ट हुई है, नई बिल्डिंग बनी है, इसके अंदर बहुत सारी सहूलियात दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, आपने मरीज़ को कौन कौन से मरीज़ यहाँ पर आ सकते हैं, दाखिल हो सकते हैं, उनका इलाज मुआवजा हो सकता है, और पता खर्चे कितना आता है, सिफर आता है, यानी एक रुपये भी आपने यहाँ पर खर्च नहीं करना। तो हम अंदर जाएंगे, आपको पूरी मुकम्मल तौर पर इस बिल्डिंग के हवाले से अपडेट देंगे कि आप यहाँ पर आ सकते हैं अपने घर वालों के साथ इलाज के लिए। इसी तरीके से आपके आखिर में बात करवाएंगे समा के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं हामिदुर्रहमान, जो सेहत शोबे को बहुत कई सालों से देखते हुए आ रहे, रिपोर्टिंग करते हुए आ रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि इस इमारत बनने के बाद जो सरकारी तौर पर हमारे दिमाग में हो चुका है ना कि अस्पतालों के अंदर बहुत ज़्यादा तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, तो इस इमारत बनने के बाद कितना फ़ायदा होगा, कितना मरीजों का लोड कम होगा, कि उनसे पूछेंगे और फिर यहाँ पर आपको मरीजों से भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और हाँ, अंदर जाने से पहले मास्क पहन लूँ मैं। मेरा नाम इमरान यूसुफ है, मैं सर्जिकल कॉम्प्लेक्स का मैनेजर हूँ और ये हम इस वक्त सर्जिकल कॉम्प्लेक्स की OPD में खड़े हुए हैं, जहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 4,500-5,000 बंदा OPD में आता है और जाता है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ पे किसी किस्म की कोई पर्ची के पैसे नहीं लिए जाते और टोटली फ्री है। और स्पेशलिस्ट तक उस बंदे को देखते हैं, पहले GDMO चेक करता है, उसके बाद प्रोफेसर के बाद अगर रेफर केसेस है तो वो कर देते हैं। ये आपकी सर्जरी, ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे हमारी OPDs हैं, ऑलमोस्ट 9 OPDs हैं, और जिस OPD का हम अब विज़िट करेंगे जनरल सर्जरी की OPD है, एक तरफ मेल साइड है और एक तरफ फीमेल साइड है। ये फीमेल है और ये जेंट्स, ये मेल साइड है। और इसमें जो ख़ास बात वो ये है कि इन सेंटर के में प्रोफेसर और सीनियर रजिस्ट्रार वगैरह बैठे होते हैं, ये सारे यहाँ पे सर्जन वगैरह बैठे होते हैं, वो केस को डील करते हैं, चेक करने के बाद प्रोफेसर को जब रेफर करते हैं जी सेंटर में भेज देते हैं। इस तरफ से जेंट सेंटर होता है, दूसरी साइड से लेडीज सेंटर होती हैं। अच्छा सर, ये कलर किस लिहाज से, ये कलर जो एसोसिएट प्रोफेसर का होगा केस देखने वाला जी, वो ग्रीन मार्किंग है, क्योंकि लोगों को लोगों को पता नहीं होता, पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर उनको कलर के हिसाब से वेरीफाई करते हैं कि आप ग्रीन वाले कमरे में चले जाओ, येलो वाले में चले जाओ, पर्पल वाले में चले जाओ। निशानदेही के लिए लगाए हुए हैं। इसमें जैसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके ये दो कलर हैं, और प्रोफेसर है उसका ग्रीन कलर है, और इसी तरह जो रजिस्ट्रार है उसका इन्होंने दूसरा ये पिंक। ये फीमेल जिम है, यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो आती हैं और यहाँ पे उनकी जिम की जो भी उनका है एक्सरसाइज, डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो यहाँ के एक्सरसाइज वगैरह डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर आप उनको जी एक्सरसाइज में डेफिनेटली जी कि इस तरीके से यहाँ पर बाकायदा खूब साफ सुथरे बेड्स हैं, और यहाँ पर ये OPD होती है अमूमन जो फिजियोथेरापी की तरह OPD होती है वो यहाँ पर की जाती है, और बेहतरीन किस्म की आपको सहूलत मिलती है, डॉक्टर मुकम्मल तौर पर आपको वक्त देते हैं, और ऐसी सहूलियात पर तो बनता है ना कि हम कहें कि शुक्रिया सिंध हुकूमत, क्योंकि मैं बहुत बार तनकीद का निशाना बनाता हूँ, मगर जब अच्छी चीज़ हो उसको सराहना भी चाहिए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बेसिकली मेडिसिन का टोकन है।
क्योंकि मैं बहुत बार तनकीद का निशाना बनाता हूँ, मगर जब अच्छी चीज़ हो उसको सराहना भी चाहिए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बेसिकली मेडिसिन का टोकन है, डॉक्टर जो मेडिसिन एडवाइस करते हैं वो मेडिसिन ला के स्लिप इनको देते हैं, तो ये मेडिसिन का टोकन ले लेते हैं और इस टोकन पे फिर ये अनाउंसमेंट आपके सामने हो रही है, इस अनाउंसमेंट वो करते हैं टोकन नंबर का, फिर बिंदा जाके मेडिसिन ले लेता है टोकन जी, बाद में फार्मेसी है जी, ये मेडिसिन है वो टोकन वहाँ चल रहे हैं ऊपर, वो टोकन नंबर है जी, और मेडिसिन जी यहाँ पे आ जाते हैं और मेडिसिन कलेक्ट करके चले जाते हैं, जो अवेलेबल मेडिसिन होती है वो यहाँ से मिलती है, बाकी वो जो नहीं होती वो फिर बाहर से लोग लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की एलिवेटर्स लगी ताकि जो लोग चल नहीं सकते, बच्चे बुजुर्ग, वो आसानी के साथ यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, ये पेशेंट वगैरह मरीज जो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, अटेंडेंट मरीज सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, चार लिफ्ट है कम से कम आपके पास। आपने पहले ओपीडी का विजिट कराया, अब वार्ड में लेकर आ रहे हैं। वार्ड में लेके आ रहे हैं जी, हर वार्ड में यहाँ पे दो यूनिट्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। नो ओपीडी और वार्ड्स कितने सर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के? यहाँ पे नो वार्ड्स हैं, नो वार्ड्स हैं जी, नो वार्ड्स, जितनी ओपीडी हो रही उतनी वार्ड्स हैं, ओपीडी उतनी वार्ड हैं। और ये लेडीज साइड है और लेडीज का ये एचडीयू है, आपकी बैक साइड पे ये एचडीयू है, हाई डिपेंडेंट यूनिट ये है, फाइव बेड जी, इस पर हर चीज़ मौजूद है, मोनिटर है, ऑक्सीजन है, वैक्यूम है, हर किस्म की फैसिलिटी यहाँ पे है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक फैसिलिटीज जो है यहाँ पर जी, बिल्कुल जो हम कहते हैं आगा खान या बड़े हॉस्पिटल्स में होती जी, अल्हम्दुलिल्लाह वैसी सारी फैसिलिटीज बिल्कुल ऐसी है, सारे बिल्कुल अच्छे किस्म के। इस बेड को पहला डेफिनेशन किया जाएगा सर, इसमें क्या क्या काम होता है यहाँ पर पेशेंट जब आता है तो उसके साथ? जी, इलेक्ट्रॉनिक बेड्स हैं ये सारे, ठीक है, और सारी फैसिलिटी, वैक्यूम है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, सक्शन है, मोनिटर है, हर चीज़ यहाँ पे है अवेलेबल। अच्छा, तो बताएं कि क्या हुआ आपको, कब से दाखिल है और आपकी टेक केयर सही हो रही, मुतमईन है उससे आप? पाँच छः दिन से। क्या हुआ था आपको? ये छुरियाँ लगी थी और फिर सीजर हुआ, उसके बाद ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन हुआ आपका। ठीक है बेहतर का, ठीक है बेहतर केयर हो रही है माशाल्लाह, मुतमईन है यहाँ से। ये जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है कि बड़े महंगे इलाज होते हैं, वैसे ही आपका देखभाल हो रही है जी। देखिए, जो सबसे अच्छी बात है ना कि जो मरीज़ हैं वो इलाज से मुतमईन है, और अमूमन जो बड़े अस्पताल हैं जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स कहते हैं, जिनको यानी कहते हैं ना मॉडर्न ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स, तो उसका एक बिल्कुल अमली नमूना नज़र आ रहा है, और ऐसे ही हॉस्पिटल होने चाहिए, पूरे सिंध में होने चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, तो देखकर खुशी हो रही है। मज़ीद अब आपको लेकर चलते हैं ऑपरेशन थिएटर, आ जाए सर्जिकल आईसीयू में चलते हैं, सर्जिकल आईसीयू में जा रहे हैं, इसके बाद फिर आपको ऑपरेशन थिएटर लेकर चलेंगे और वहाँ बताएंगे कि आपको क्या सहूलत है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। ये है सरदार यासीन मलिक वाली फैमिली ने किया है, डोनेट किया जी, ये उन्होंने किया हुआ है, ये फ्लोर किया हुआ है हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर, ई एन टी वार्ड है, और राइट साइड के ऊपर सर्जिकल आईसीयू है जो 28 बेडेड है, 28 बेडेड जी। आइए, जो भी एक मॉडर्नाइज आईसीयू में होनी चाहिए वो यहाँ पे है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पर तमाम लोगों की टेक केयर, कौन कौन से मरीज को यहाँ पर आप? हर किस्म की जो सर्जिकल से रिलेटेड है वो सब, भी जिसको वेंट की जरूरत पड़ती है तो हम सब यूज करते रहते हैं। ठीक है सर। अच्छा, वेंट अभी आपके पास माशाल्लाह है भी, गुंजाइश भी? जी जी, गुंजाइश है, स्टैंड बाई है सारे, जब पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं तो फिर ये बेड भी यूज कर लेते हैं। ये पोर्टेबल एक्सरे मशीन है, पोर्टेबल एक्सरे मशीन, बहुत जल्दी हो तो यही। जो भी एक मॉडर्नाइज आईसीयू में होनी चाहिए वो यहाँ पे है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं। यही बेड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बेड है, इसके अंदर तमाम सहूलत मौजूद है। अगर आप ही किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग हैं ना, तो यकीन माने 10 से 15 हज़ार रुपये डेली के चार्ज करेंगे। बेड की बात तो बिल्कुल अलग ही है, खाना भी बहुत मियारी मिल रहा है आपको, अच्छा खाना मिल रहा है यहाँ पर। साहब उन्होंने दो एचडीयूज अपने वालदा और वालिद के नाम पर बनवाए हैं, जो वो उसको जिसकी टेक केयर करते हैं, 18 जदीद इस पे जो है वो आपको ऑपरेशन थिएटर्स मिलेंगे, 550 के करीब इसमें बिस्तर हैं, और वो मरीज आते हैं जो बेचारे किराए के पैसे नहीं होते और यहाँ से बाद उसका भीख मांग के वापस घरों में जाते हैं, हमने देखा है ये, और यहाँ पर दवाएँ भी मिल रही हैं।
दीगर जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल है साउथ सिटी, ये वही सहूलत है ना, हम कह सकते हैं ना कि वही सहूलत मिली जो आगाखाने में मिलती है, जो साउथ सिटी में मिलती है, जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है, जहाँ पर आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं एक रूम के हासिल करने के लिए, इलाज करवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिम। अच्छा, एक अच्छी खबर है कराची वालों के लिए और खुसूसन पूरे सिंध के लिए, बल्कि कराची के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी सतह पर एक बेहतरीन किस्म